नमस्कार दोस्तों, बीटा एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए आज हम सरकारी जॉब में आने वाले कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण पोर्शन पर विचार कर लेते हैं। दोस्तों आइए आज हम जो है कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक का रिवीजन कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, पहला हमारा क्या टॉपिक है, पहला हमारा फुल फॉर्म है आईपी। दोस्तों आईपी क्या होता है, आईपी होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। दोस्तों आईपी जो है आईपी एड्रेस भी होता है, और आईपी एड्रेस जो है प्रोवाइड कौन करता है ये याद रखोगे आप, आईएसपी। आईएसपी क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी इंटरनेट सेवा प्रदाता। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं दोस्तों आईपी इंटरनेट सेवा प्रदाता, आईएसपी होता है ये इंटरनेट की सेवा प्रदान करता है यूजर्स को। तो दोस्तों यहां हम देख रहे हैं आईपी एड्रेस हमारे दो प्रकार के होते हैं, IPv4 32 बिट का और IPv6 ये लेटेस्ट वर्जन है। ये इसका आकार कितना होता है, 128 बिट का इसका आकार होता है। तो दोस्तों ये हमने जाना आईपी एड्रेस के बारे में। दोस्तों आइए प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम रन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, पैसिव एंटिटी होते हैं। प्रोग्राम क्या होता है, पैसिव एंटिटी होता है, और प्रोग्राम रन होने के दौरान किससे मिल जाते हैं, प्रोसेस में मिल जाते हैं। तो इसलिए हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्टिव एंटिटी। आप लोग याद रखेंगे प्रोग्राम क्या होते हैं, पैसिव एंटिटी, प्रोसेस क्या होता है, एक्टिव एंटिटी। और कंप्यूटर में जितने भी प्रोसेस होते हैं उन सबकी एक निर्धारित क्या होती है, पीआईडी होती है, जिसे हम कहते हैं पीआईडी को हम कहते हैं प्रोसेस आईडी, उसकी एक निर्धारित प्रोसेस आईडी भी होती है। तो इतनी बात आप लोग प्रोसेस के बारे में याद रखेंगे। चलिए दोस्तों हमारा क्या कमांड होता है, पिंग एक कमांड होता है, पिंग। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है पैकेट इंटरनेट ग्रोपर। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, पिंग का पैकेट इंटरनेट ग्रोपर, ये हमारा पिंग कमांड का फुल फॉर्म होता है, पैकेट इंटरनेट ग्रोपर। ये किस लिए प्रयोग होती है, ये ट्रबल शूटिंग के लिए प्रयोग होती है, ट्रबल शूटिंग के लिए, यानी कि नेटवर्क की कनेक्टिविटी चेक करने के लिए हम इस कमांड का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसके लिए इसका प्रयोग हम क्या करेंगे, नेटवर्क की कनेक्टिविटी चेक करने के लिए इस कमांड का प्रयोग करेंगे, किसका, पिंग कमांड का हम लोग प्रयोग करेंगे। दोस्तों ये हमारी पिंग कमांड हुई। आइए दोस्तों, तो इसमें हमें लिखवाया कि चेक इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट की कनेक्टिविटी चेक करने के लिए हम पिंग कमांड का प्रयोग करेंगे। चलिए दोस्तों हमारा है कि प्रोसेस लाइफ साइकिल, यानी प्रोसेस की लाइफ साइकिल क्या होती है। तो प्रोसेस अपने जीवन काल में जितनी स्टेज से गुजरता है वो उसकी क्या होती है, लाइफ साइकिल होती है। अच्छा प्रोसेस की अवस्था कितनी होती है, पांच अवस्था होती है। प्रोसेस की कुल कितनी अवस्था होती है, पांच अवस्था होती है, ये अपने रिवीजन नोटबुक में लिख लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला इसमें हम जान लेते हैं क्या होता है, आरटीसी क्या होता है। दोस्तों आरटीसी, आरटीसी क्या होता है, रियल टाइम क्लॉक होता है। दोस्तों क्या होता है, रियल टाइम क्लॉक, आरटीसी की फुल फॉर्म। अच्छा दोस्तों अगर हम बात करें डोस की, डोस क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। डोस क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डोस की कमांड। तो डोस हमारा दोस्तों एक सीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसमें कुछ कमांड प्रयोग होती है, जैसे डेल, डेल कमांड क्या करती है, किसी फाइल को डिलीट करती है। आरडी कमांड क्या करती है, रिमूव ए डायरेक्टरी, यानी किसी डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए इस कमांड का प्रयोग होता है। टाइप कमांड किस लिए प्रयोग होती है, रीड डेटा, किसी फाइल से डेटा रीड करने के लिए। अच्छा यूनिक्स लिनक्स में कैट कमांड होती है इसी काम के लिए, डेटा को डिस्प्ले करने के लिए। अच्छा एमडी कमांड किस लिए प्रयोग होती है, एमडी बताइएगा, मेक डायरेक्टरी के लिए प्रयोग होती है। एमडी कमांड किस लिए प्रयोग होती है, मेक डायरेक्टरी के लिए प्रयोग होती है एमडी कमांड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो हम देखते हैं दोस्तों जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें सबसे जो लोअर लेयर क्या होती है, बहुत ही हार्डवेयर की लेयर, क्या होती है, हार्डवेयर की लेयर। इसके ऊपर लेयर क्या उनकी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर होती है, और उसके ऊपर क्या होता है हमारा, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं। कौन क्या उनकी लेयर होती है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की लेयर होती है, और बाहर क्या होता है, यूजर होता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा इसी को हम बात करें और डिटेल में देखें तो क्या होता है, सबसे नीचे की लेयर हार्डवेयर की लेयर होगी, उसके बाद क्या होता है, कर्नल होता है, और उसके बाद क्या होता है हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, और इसके बाद क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं। तो ये कुछ डायग्राम्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि आपको ऑफलाइन और पेड क्लास में बताया जा चुका है। तो कर्नल क्या होता है, कर्नल एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर के सबसे अधिक नजदीक होता है, इतनी बात आपको याद रखनी पड़ेगी। अच्छा यूनिक्स लिनक्स सेल भी होते हैं,
तो जैसे सी सेल का प्रयोग सेल प्रोग्रामिंग में होता है, सी सेल किसने बनाया था, बिल जॉय साइंटिस्ट थे जिन्होंने सी सेल बनाया था, किसने बनाया था, बिल जॉय ने बनाया था। डॉस को हमने बताया है, डॉस क्या है, CUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, फुल फॉर्म क्या होती है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या होती है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें कमांड CLS होती है, CLS कमांड क्या करती है, क्लियर स्क्रीन, यानी स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हम इस कमांड का प्रयोग करते हैं, किसका, CLS कमांड का हम प्रयोग करते हैं अपनी स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। चलिए दोस्तों, chmod कमांड किस लिए प्रयोग होती है, चेंज मोड, ये कमांड परमिशन सेट करने के लिए प्रयोग होती है, किस लिए होती है, परमिशन सेट करने के लिए। परमिशन कौन कौन सी होती है, रीड की परमिशन होती है, राइट की परमिशन होती है, एग्जीक्यूट की परमिशन होती है, ये परमिशंस होती हैं। रीड की परमिशंस को R से दर्शाते हैं, राइट की W से, एग्जीक्यूट को X से दर्शाते हैं, ये हमारे कुछ परमिशंस होती हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं लाइनक्स के फ्लेवर की। लाइनक्स तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लाइनक्स को किसने बनाया था दोस्तों, लीनियस टोरवाल्ड्स ने बनाया था, किसने बनाया था लाइनक्स को, लीनियस टोरवाल्ड्स ने बनाया था, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लीनियस टोरवाल्ड्स ने बनाया था, और ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, क्या क्या फ्लेवर है, काली ये भी लाइनक्स है, सेंटोएस ये भी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, रेड हैट ये भी लाइनक्स है, फेडोरा ये भी लाइनक्स है, डेवियन ये भी लाइनक्स है, एंड्रॉइड ये भी लाइनक्स है। तो ये सब हमारे क्या है दोस्तों, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। नेक्स्ट है HDD, ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे आप सब लोगों को याद होगा, हार्ड डिस्क ड्राइव, क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। चलिए दोस्तों, अगला हम देख लेते हैं फुल फॉर्म क्या होता है, FDD, क्या होता है, FDD, FDD क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ये आप याद रखेंगे। SDRAM देख लेते हैं दोस्तों, SDRAM क्या होता है, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम क्या होती है, रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, रैम एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, जिसमें पावर रहने तक ही डेटा स्टोर होता है, पावर जाने के बाद डेटा भी इसमें से उड़ जाता है। चलिए दोस्तों, तो ये हमारी मेमोरी हो गई। RDRAM रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैमबस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। RDRAM रैम क्या होता है, रैमबस। चलिए दोस्तों, तो जैसे रैम की हम बात करें, मेनली SRAM फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है, और फ्लिप फ्लॉप क्या होती है, 1 bit स्टोरेज डिवाइस होती है, यानी फ्लिप फ्लॉप हमारी एक बार में 1 bit के डेटा को स्टोर करती है, इसलिए फ्लिप फ्लॉप को 1 bit स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा रैम हमारी क्या होती है, रैम इंटरनल मेमोरी होती है, रैम हमारी इंटरनल मेमोरी होती है, रैम और रोम दोनों इंटरनल मेमोरी होती है, याद रखेंगे आप, रैम भी और रोम भी दोनों क्या होती है, इंटरनल मेमोरी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों हमारी इंटरनल मेमोरी होती है और रैंडम तकनीक पर आधारित है कि इनसे डेटा कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। दूसरा हमारा सिक्वेंशियल मेमोरी होती है, जिसमें डेटा क्रम से एक्सेस होता है, जैसे मैग्नेटिक टेप हो गया, मैग्नेटिक टेप याद रखेंगे आप किसका एग्जांपल है, मैग्नेटिक टेप किसका एग्जांपल है दोस्तों, सीक्वेंशियल मेमोरी का एग्जांपल है मैग्नेटिक टेप। चलिए दोस्तों, तो अगर हम बात करें मेमोरी का एक्सेस टाइप, तो रैंडम हो गया, सीक्वेंशियल हो गया, तो रैंडम कौन कौन सा हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव, CD CPU, ये सब हमारा क्या, रैंडम मेथड पर आधारित है। चलिए दोस्तों, अब इसमें है कि फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है, रजिस्टर होते हैं, किसके, CPU के रजिस्टर सबसे अधिक फास्ट मेमोरी होती है, बहुत स्पीड से डेटा ये क्या होता है, एक्सेस होता है। चलिए दोस्तों, अब हमने क्या करना है दोस्तों, जो है प्रोसेस देखने हैं, प्रोसेस देखने, तो प्रोसेस हमें कहां मिलेंगे, प्रोसेस मिलते हैं टास्क मैनेजर में, हम कंप्यूटर का प्रोसेस दे सकते हैं। टास्क मैनेजर ओपन करने की दोस्तों शॉर्टकट कमांड क्या होती है, तो आप कंट्रोल शिफ्ट एस्केप के द्वारा हम टास्क मैनेजर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा टास्क मैनेजर होता है, जो विंडोज में हम ओपन कर सकते हैं। सेल क्या होता है, सेल एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस होती है। अच्छा सेल को कौन इंटरफेस देता है, कर्नल देता है, कर्नल हमारा सेल को इंटरफेस देता है। लिनक्स यूनिक्स में सेल और कर्नल प्रयोग होते हैं। तो आइए दोस्तों, अगला हमारा क्या है, RTOS क्या होता है दोस्तों, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये क्या होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है RTOS। इसका प्रयोग कहां होता है, जैसे ATM हो गया,
एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। या एटीसी क्या होता है? एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल। ऐसी जगह पर हम आरटीओएस का यूज करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं, कंट्रोल मेमोरी देख लेते हैं। तो जो हमारी मेमोरी है, मेमोरी की अगर हम बात करें तो एक पिरामिड में हम मेमोरी को दर्शा दें तो वो हमारी मेमोरी क्या होती है, जो है मेमोरी पिरामिड हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हायरार्की में अगर हायरार्की डायग्राम बना दे हम तो वो हमारा क्या हो गया, एक हायरार्कियल मेमोरी हो गया। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें दोस्तों क्या होता है। अगर जो मेमोरी हायरार्की का डायग्राम है, हम मेमोरी हायरार्की का डायग्राम आपको दिखाते हैं, देखिएगा दोस्तों। तो उसमें आप मेमोरी हायरार्की के डायग्राम में देख पाएंगे कि जो मेमोरी है आपका, मेमोरी ऊपर से नीचे जाने पर आकार में वृद्धि होती है कि कमी होती है। तो मेमोरी हायरार्की का डायग्राम देख लेते हैं दोस्तों। तो ये हमारा मेमोरी हायरार्की का डायग्राम है, देखिएगा दोस्तों, ये लीजिएगा, आप देख रहे हैं कि ये मेमोरी हायरार्की का डायग्राम है। और इसमें क्या है दोस्तों, सबसे जो मेमोरी है, सबसे छोटी मेमोरी सीपीयू रजिस्टर है। ठीक है दोस्तों, तो ऊपर ये और सबसे बड़ी मेमोरी मैग्नेटिक टेप हो गया। तो ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है, कैपेसिटी बढ़ रही है। ठीक है दोस्तों, आकार बढ़ रहा है मेमोरी का, एक्सेस टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नीचे से ऊपर जाने में क्या हो रहा है, आकार घट रहा है, एक्सेस टाइम कम हो रहा है। दोस्तों ये क्या होता है हमारा, ये मेमोरी हायरार्की डायग्राम है। यहां से हमें सब याद करना है, इन सभी मेमोरी को हमें यहीं से याद करना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये याद रखना है कि टॉप टू बॉटम जाने पे क्या हो रहा है, ठीक, यानी कैपेसिटी बढ़ रही है, कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, ये बातें आपको याद रखनी है। चलिए दोस्तों, ऐसे मेन मेमोरी हो गई रैम, इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है कि एक्सेस टाइम क्या फर्क पड़ता है इसमें। चलिए दोस्तों, अब हमारा क्या है, हम ऑपरेटिंग सिस्टम जान लेते हैं। जैसे पाम ओएस है, तो पाम ओएस क्या होता है, हमारा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है दोस्तों, यूनिक्स हमारा क्या होता है, CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यूनिक्स। तो यूनिक्स का प्रयोग हमारा क्या कंपनी में भी होता है। यूनिक्स को कीन थॉम्सन ने बनाया था, ये बात आप याद रखेंगे। किसने बनाया था, कीन थॉम्सन ने बनाया था यूनिक्स को, ये बात याद रखेंगे आप। चलिए दोस्तों, क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क कैपेसिटी कितनी होती है, फ्लॉपी डिस्क की, यानी 3.5 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी 1.44 MB होती है। क्या होता है, 1.44 MB होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमारा क्या है, दूसरा हमने टोपोलॉजी मानक देते हैं, टोकन रिंग मानक है, मानक है टोकन रिंग, इसका क्या नंबर होता है, 802.5 होता है। टोकन बस मानक है, टोकन बस का क्या होता है, 802.4 होता है। तो ये कुछ मानक है आपको याद रखने पड़ेंगे, पेड क्लास में और ऑफलाइन क्लास में दोनों जगह बताया है कि IEEE इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स नामक संस्था ने विभिन्न विभिन्न तकनीक को मानक प्रदान किए हैं, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। IEEE की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी पड़ेगी, IEEE की फुल फॉर्म क्या होती है, इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। चलिए दोस्तों, तो ये हमारा जैसे DIR कमांड होती है, डोज की बात चल रही है, ये क्या करती है, DIR कमांड हमारी डायरेक्टरी को डिस्प्ले करती है, डायरेक्टरी को डिस्प्ले करती है ये कमांड, ये बात आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, जैसे ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ का मानक क्या होता है, IEEE 802.15.1, ये मानक होता है किसका, ब्लूटूथ का मानक होता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए माउस है दोस्तों, अगर हम कम्युनिकेशन मोड की हम बात करें, कम्युनिकेशन मोड क्या होता है, माउस, तो माउस और CPU के बीच में डेटा ट्रांसफर जो होता है वो सिंप्लेक्स होता है। क्या होता है, सिंप्लेक्स होता है, एक दिशा में ही डेटा ट्रांसफर होता है। चलिए दोस्तों, RJ45 कनेक्टर क्या होता है, RJ की फुल फॉर्म क्या होती है, रजिस्टर्ड जैक होती है, लिख लीजिएगा अगर याद नहीं है तो, रजिस्टर्ड जैक होती है। और RJ45 कनेक्टर कहां प्रयोग होते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल में प्रयोग होते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल में। फुल फॉर्म क्या होती है, RJ की, रजिस्टर्ड जैक होती है। क्या होती है दोस्तों, याद रखिएगा, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, रजिस्टर्ड जैक होती है। तो दोस्तों ये हमारे क्या होता है, ये कुछ हमारे कनेक्टर्स होते हैं। BNC कनेक्टर कहां प्रयोग होता है, आपसे पूछे तो BNC कनेक्टर दोस्तों कहां प्रयोग होता है, कोएक्सियल केबल में प्रयोग होता है, ये याद रखेंगे आप। BNC कहां होता है, कोएक्सियल केबल में। चलिए दोस्तों, तरंगों की रेंज याद रखते हैं, रेडियो तरंगों की रेंज क्या होती है, 10 किलोहर्ट्ज से 1 GHz होती है,
ये आप याद रखेंगे। चलिए, डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होती है। और डीवीडी की क्षमता कितनी होती है दोस्तों? 4.7 GB डीवीडी की क्षमता होती है। चलिए दोस्तों, जैसे बताया था आरजे की क्या होती है? रजिस्टर्ड जैक होती है। तो रेडियो तरंगों की रेंज क्या होती है? रेडियो वेव्स की 10 किलोहर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज होती है। ये बात हम याद रखेंगे। और पहले ही बताया जा चुका है डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होती है, क्षमता 4.7 GB होती है। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, इसकी क्षमता 700 MB होती है, 700 MB होती है। चलिए दोस्तों, तो ये बात आपको याद रखेंगे। अब देखो दोस्तों, आईपी एड्रेस में देख लेते हैं। आईपी एड्रेस में क्या होता है? हमारी मल्टीकास्ट क्लास कौन सी होती है, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो क्लास डी को हम मल्टीकास्ट क्लास कहते हैं। ABCDE क्लास होती है IPv4 वर्जन में, क्लास डी को मल्टीकास्ट क्लास कहते हैं। चलिए दोस्तों, URL की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा इसमें क्या है देख लेते हैं। URL की क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है। क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है। जैसे किसी वेबसाइट का कंप्लीट एड्रेस होता है, कोई पता होता है, उस कंप्लीट एड्रेस को हम क्या कहते हैं? URL कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। चलिए दोस्तों, ये बात आप लोग याद रखोगे। चलिए दोस्तों, ये URL टॉपिक बताया जा चुका है आपको पेड क्लास में, ऑफलाइन क्लास में बताया जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, चूंकि ये रिविजन क्लास है तो इसमें हम आपको हर टॉपिक के बारे में लिमिटेड चीजें याद करा रहे हैं, ताकि आपको बेसिक चीजें याद रहे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या है प्रश्न जो है, आपको किसी टॉपिक में डाउट होगा, ज्यादा गहराई से पूछना है, व्याख्या करनी है, कमेंट में लिखिए। कमेंट होता है किस लिए है? आप कमेंट में लिखिए कि क्या क्या आपको चीजें पूछनी है, क्या क्या डाउट है। जिसको डाउट है वो लिख दीजिएगा, नाम के साथ लिख दीजिएगा, आगामी जो हमारी ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास होगी उसमें हम डाउट दूर कर देंगे। चलिए दोस्तों, स्पिंडल क्या होता है? स्पिंडल हमारा क्या होता है? एक जो है मोटर होता है जिसके चारों तरफ हमारा प्लेटर घूमता है, रोटेट प्लेटर। प्लेटर स्पिंडल क्या करता है? प्लेटर को मूव कराता है, हार्ड डिस्क में होता है, प्लेटर को मूव कराने के लिए प्रयोग होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं DNS क्या होता है। तो DNS क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम होता है दोस्तों। क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम होता है DNS। और क्या करता है? किसी वेबसाइट के डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलता है। याद कर लीजिए बात जो है। चलिए दोस्तों, सिस्टम डोमेन नेम सिस्टम होता है। नेक्स्ट NIC क्या होता है? NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसे हम LAN कार्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? LAN कार्ड कहते हैं। आइए NIC की फुल फॉर्म क्या होती है देख लेते हैं। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ये एक संस्था है केंद्र सरकार की जो कि इंटरनेट कनेक्टिविटी आदि प्रोवाइड करती है। चलिए दोस्तों, तो PID क्या होता है दोस्तों? PID होता है प्रोसेस आईडी, यानी किसी प्रोसेस की आईडी को हम PID कह सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको याद करने हैं क्या क्या टॉपिक, तो PCB देखना है आपको। PCB क्या होता है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं याद करना है इसमें आपको PCB में। और आपको देखना है नेक्स्ट क्लास के लिए जो आपसे सुना जाएगा, टोपोलॉजी क्या होता है, टोपोलॉजी याद कर लीजिएगा। ठीक है, आईपी एड्रेस याद कर लीजिएगा, आईपी एड्रेस की रेंज क्या क्या होती है, सभी क्लास की रेंज क्या होती है, तो ये सब आपको याद करना है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कुछ टॉपिक का आपने रिवीजन किया होगा, कुछ प्रश्न आपको नए मिले होंगे, और फुल फॉर्म्स वगैरह को नोट कर लीजिएगा। और एक बार कंप्यूटर में कुछ याद नहीं होता है, बार बार रिवीजन करने से याद होता है। कैसे याद होता है? बार बार रिवीजन करने से याद होता है। और जब तक आपकी परीक्षा है, जब तक जॉब लेनी है, इसको फेंक दीजिए, इसको फेंक दीजिए, इससे दोस्ती कम कर लीजिएगा। जी हाँ, ये आपका वही प्यारा मोबाइल है, इसको रोक दीजिए, इसको रख दीजिएगा। और आपको बार बार बता रहे हैं, वीडियो को सुनने के बाद नोट्स बना लीजिएगा, ताकि लिखी हुई चीजें जल्दी याद होती हैं, उसकी इमेज बन जाती है। ज्यादा फोटोकॉपी के चक्कर में मत पड़िएगा, स्वयं पेन से लिखने पे विश्वास कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी आप समझदार हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।